अक्केन भोगा भुगेया देही खम्मम पयोजये चतुर्थांच निधापाया अपादसु भविष्यति। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, अभी जो दो लाइनें मैंने पाली की बोली वो बुद्धा के सिग्लोवादा सुत्ता से है। इस सुत्ता में बुद्धा कहते हैं कि हमारा जो भी इनकम अर्निंग या मंथली सैलरी है उसको हमने तीन हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला हिस्सा 1/4 या 25% ऑफ आवर इनकम हमें अपने ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए, दैट शुड बी यूटिलाइज फॉर कंजम्पशन। दूसरा हिस्सा 50% और हाफ आवर इनकम शुड बी री इन्वेस्टेड टू एक्वायर फर्दर इनकम, यानी कि इनकम जनरेटिंग असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आखिरी हिस्सा अगेन 1/4 और 25% ऑफ आवर इनकम को हमें सेविंग्स में रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में हमारे काम आ सके या इसे रिटायरमेंट के लिए बचाकर रखना चाहिए। इस सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया है कि किस तरह से गृहस्थ आदमी ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए एंड हाउ टू अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम, बिकॉज अचीविंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ईच एंड एवरी अर्निंग ह्यूमन बींग। इसी तरह इन पत्तकम सुत्ता बुद्धा टोल्ड अस द मैनर इन विच अ पर्सन कैन स्पेंड हिज वेल्थ। इस तरह के कई सूत्र बुद्धा ने भिक्षुओं के सामने जो देशना या डिस्कोर्सेस दी उसमें हमें मिलते हैं। कुछ सूत्र हमें पंचशील, चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 परमिताओं में भी मिलते हैं। दोस्तों, ये वो बिखरे हुए मोती है जिसे एक धागे में पिरोया जाए तो जो माला तैयार होगी वो है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। तो चलिए समझते हैं कि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का उद्गम ओरिजिन कैसे हुआ। साथियों, हम जानते हैं कि बचपन से ही बुद्धा नेचर के काफ़ी करीब रहे और उन्होंने काफ़ी बारीकी से नेचर का सूक्ष्म अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि नहीं हमारा शरीर बल्कि संपूर्ण सृष्टि पंचमहाभूतों से बनी हुई है, 5 कॉस्मिक एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो साथियों, वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स बुद्धिस्ट इकोनॉमी इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से ही बुद्धा ने कुछ सिद्धांत बताए हैं दैट हैव बिकम द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इज इक्वालिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और वेल्थ। द एलिमेंट ऑफ कॉस्मॉस डजंट हैव इनइक्वालिटी एंड दे आर इक्वली अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जल यानी कि वर्षा वो सभी पर समान रूप से बरसती है, वो ये नहीं देखती कि यह शूद्र का खेत है तो मैं यहाँ पर नहीं बरसूंगी। ठीक इसी तरह वायु वो भी समान रूप से सभी के लिए अवेलेबल है, वो यह नहीं सोचता कि यह गरीब है तो मैं इसके पास से नहीं गुजरूंगा। जब कॉस्मिक एलिमेंट्स हम इंसानों के साथ भेदभाव नहीं करते तो हम इंसान इंसानों के साथ भेदभाव करने के लिए कौन। इसलिए बुद्धा कहते हैं कि देयर शुड बी इक्वालिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और वेल्थ। इस सिद्धांत को बुद्धा ने कूटदंत सूत्ता में एक्सप्लेन किया है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इज मिनिमाइज सफरिंग। साथियों, हम सब इस सिद्धांतों को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वी ऑल नो दैट सफरिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मिनिमाइजिंग द डिजायर। सो जो देश कम से कम जरूरतों में अपने आप को या अपने इकोनॉमी को चलाते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जापान इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इस सिद्धांतों को बुद्धा ने चार आर्य सत्य में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इज राइट लाइवलीहुड और सम्यक आजीविका। इस सिद्धांत के बारे में भी हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। बुद्ध की नैतिकता और मध्यम मार्गों को मान के करुणा के साथ देश की इकोनॉमी को चलाई जाए तो देश का भला हो सकता है, देश के लोगों का भला हो सकता है, दुनिया का भला हो सकता है। उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो भिखारी को भीख देना दया है, लेकिन भिखारी को काम देकर उसका भीख मांगना बंद करवाना यह करुणा है। यही पर बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स है। इस सिद्धांत को बुद्धा ने नोबल एटफोल्ड पाथ आर्य अष्टांगिक मार्ग में एक्सप्लेन किया है। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट प्रिंसिपल है इकोनॉमिक वेलफेयर फॉर ऑल। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। इसमें अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जाती है, इसलिए बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कहती है वेल्थ थ्रू वेलफेयर ऑफ ऑल। धन के पीछे भागने वाले राग, लोभ, मोह, माया, वासना, अहंकार और तृष्णा से ग्रसित विषमवादी व्यवस्था का बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में कोई स्थान नहीं है। इसलिए बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स आपको लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज यूज करने को कहती है, लोकली अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स यूज करने को कहती है। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एडवोकेट्स क्लस्टरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
विच इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 100 गांव का एक क्लस्टर हो और सभी गांव अपने अपने लोकल रिसोर्सेज के हिसाब से कुछ प्रोड्यूस करे, कोई खेती करे, कोई तेल निकाले, कोई धान उगाए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट करके आपस में ट्रेड करके अपने इकोनॉमी को डेवलप करें। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इस बात को नहीं मानती कि कोई बाहर से चीज़ें लाकर सिर्फ उपभोक्ता बने, लेकिन अगर आप उत्पादक बनके उपभोक्ता बनते हो तो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इस बात का स्वीकार करती है। इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे एक शोध प्रबंध लिखा, जिसके लिए उन्हें 1998 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस दिया गया और 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स का यह कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स से लिया है। अगर करते तो शायद उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिलता। साथियों, जब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बात चली है, जिसे हम पारंपरिक अर्थशास्त्र या वेस्टर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न इकोनॉमिक्स एंड बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। फर्स्ट डिफरेंस, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, किसी भी तरह से प्रॉफिट को बढ़ाना, जबकि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का फोकस है मिनिमाइजेशन ऑफ सफरिंग, सो इट इज फोकस्ड ऑन मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस। किसी भी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी उसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में ना देखते हुए उस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड होने वाले लोगों की सफरिंग कितनी कम होती है उस आधार पर तय होनी चाहिए, यह बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कहती है। नेक्स्ट डिफरेंस, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिजायर पे फोकस करती है, बाय टू गेट वन फ्री, सेल अप टू 25-90% डिस्काउंट, इस तरह के कैप्शंस हमारे डिजायर्स को बढ़ाती है, जबकि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कहती है कि हमें अपने डिजायर्स को नियंत्रण में रखना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट और मार्केटाइजेशन, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स मार्केटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। मार्केट में हम चार चीज़ें लिए जाते हैं, लेकिन उन चार चीज़ों के साथ साथ 10 चीज़ें और खरीद कर लाते हैं, दिस इज मार्केटाइजेशन। इससे डिमांड बढ़ती है और डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, लेकिन नेचुरल वे में सप्लाई को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए वेस्टर्न इकोनॉमिक्स वायलेंस की तरफ जाती है, जबकि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कहती है मिनिमाइजेशन ऑफ मार्केटाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस। द नेक्स्ट डिफरेंस इज वेस्टर्न इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, वो कहती है ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाओ, आप जितना ज़्यादा धन कमाओगे उतनी आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वेस्टर्न इकोनॉमिक्स से ईगो बढ़ता है, आपसी मतभेद और पर्सनल रिवैलरीज बढ़ती है, इसलिए वेस्टर्न इकोनॉमिक्स इज नॉट एन इकोनॉमिक्स बट इट्स अ इकोनॉमिक्स, जबकि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स सेल्फलेस इकोनॉमिक्स और ईगोलेस सोसाइटी डेवलप करने की बात करती है। बिगेस्ट इज बेटर और मोर इज मोर इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक्स, वेयर एज स्मॉल इज ब्यूटीफुल एंड लेस इज मोर इज द मोटो ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। वेरी फ्यू इंपॉर्टेंस इज गिवन ऑन इथिक्स एंड वैल्यूज इन वेस्टर्न इकोनॉमिक्स, हेंस देर इज अ स्ट्रेस्ड सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ इन वेस्टर्न इकोनॉमिक्स। इसके विपरीत बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इज प्योरली बेस्ड ऑन इथिक्स एंड वैल्यूज एंड हेंस इट लेड्स टू एनलाइटेंड सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ I would like to tell you some interesting books about economics. Small is Beautiful, A Study of Economics as if People Matters. This book is written by E.F. Schumacher, Ernst Friedrich Schumacher, published in 1973. Schumacher was German-born British statistician and economist. USA के San Francisco Buddhist Monastery में उन्होंने बुद्ध धम्म का अभ्यास किया और वहीं से उन्होंने 1966 में Buddhist Economics नाम से एक शोध प्रबंध लिखा। He is the one who coined the term Buddhist economics. Later in 1973, he published this research paper in his book Small is Beautiful. In this book, he said, Buddha is instrumental in becoming the first economist of the world. दुनिया के पहले अर्थशास्त्री अगर कोई है तो वह है लॉर्ड बुद्धा। यह किताब जब पब्लिश हुई थी तो इस पर काफ़ी आलोचना हुई, क्योंकि यह पारंपरिक पूंजीवादी वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के विपरीत थी। अकॉर्डिंग टू टाइम्स मैगजीन, दिस बुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल बुक पब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बुक ऑन इकोनॉमिक्स इज फॉल्स इकोनॉमी, अ सरप्राइजिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, रिटन बाय एलन बीटी। एलन बीटी इज अ ब्रिटिश इकोनॉमिक्स एंड एडिटर ऑफ फाइनेंशियल टाइम्स। इन दिस बुक फॉल्स इकोनॉमिक्स ही रोट How the economics of the world is false, because we earn profit but we are not earning
मोरालिटी थ्रू प्रॉफिट। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बुक ऑन इकोनॉमिक्स इज अंडरकवर इकोनॉमिक्स, रिटन बाय टिम हार्टफोर्ड, पब्लिश्ड इन 2004। टिम हार्टफोर्ड इज ब्रिटिश इकोनॉमिक्स एंड जर्नलिस्ट। इन दिस बुक ही एक्सप्लेन व्हाई पुअर कंट्रीज रिमेन्स पुअर व्हाइल पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज कंटिन्यूअसली ग्रोन रिच इन लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। साथियों, हमारे सभी समस्या का सोल्यूशन हमें बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में मिलता है। आज दुनिया भर के लगभग सभी देश कोरोना वायरस या COVID-19 से त्रस्त है। द होल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय COVID-19। इसका सोल्यूशन भी हमें बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में मिलता है। रतन सुत्ता और चक्रवर्ती श्री आनंदन सुत्ता में बुद्धा ने इसका सोल्यूशन हमें बताया है। रतन सुत्ता से हमें पैंडेमिक से लड़ने की ताकत मिलती है। चक्रवर्ती श्री आनंदन सुत्ता में हमें बुद्धा ने इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निपटना चाहिए इसके बारे में बताया है। चक्रवर्ती श्री आनंदन सुत्ता में बुद्धा कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड अनरेस्ट इन द सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड। पॉवर्टी, रिवॉल्यूशन, पावर रिलेटेड क्राइम्स, पैंडेमिक्स, एपिडेमिक्स आर द रिजल्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज। अगर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज सही ढंग से काम करें तो हम क्राइसिस से या पैंडेमिक से बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों ने इस COVID-19 के पैंडेमिक और इकोनॉमिक क्राइसिस को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। दिस इज द पावर एंड ब्यूटी ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। किसी ने बुद्ध से पूछा कितना धन होने पर व्यक्ति को धनवान समझा जाए। बुद्ध ने काफ़ी सुंदर शब्द में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, नीति धर्म का आचरण कर सके, अपने बच्चों का रक्षण कर सके, अपने परिवार का, अपने माता पिता का ध्यान रख सके और इज्जत की जिंदगी जी सके, इतना धन अगर किसी के पास है तो वो व्यक्ति धनवान है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ बुद्धिज्म इज एन आर्ट ऑफ लिविंग देन बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लिविंग। अगर हमें अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि के साथ जीना है तो बुद्धा ने बताए हुए इस आर्ट और साइंस को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। धन्यवाद। जय भीम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।